के साथ पटना के बेउर जेल में जिला प्रशासन ने पटना पुलिस की छापेमारी का मामला, छापेमारी में उनके पास से मोबाइल मिलने का मामला। पटना पुलिस कल कोर्ट में अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन देगी। रिमांड की मंजूरी मिलने के बाद अनंत सिंह से मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेगी। गौरतलब है कि पटना पुलिस की छापेमारी में अनंत सिंह के पास से मोबाइल मिला था और मोबाइल का सिम पुनाईचक के रहने वाले एक व्यक्ति के नाम पर मिला था। पटना पुलिस टीम दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई है। विधायक अनंत सिंह की मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जो छापेमारी में चीजें बरामद की गई थी उसको लेकर के अब रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए राहुल, पटना पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा जो छापेमारी की गई थी बेउर जेल में, जिसमें अनंत सिंह के बैग से एक मोबाइल मिला था। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई थी। इस व्यक्ति के नाम पर सिम था, उससे पूछताछ की गई। दुकानदार की गिरफ्तारी की लगातार कोशिश की जा रही है। अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए आज पटना पुलिस आवेदन देगी कोर्ट में और रिमांड पर लेकर पटना पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर इस मोबाइल में जो कई नंबर है उन नंबर के बारे में अनंत सिंह की पूछताछ करेगी। मोबाइल किसने ला करके दिया, मोबाइल जेल में कैसे पहुंचा, कई ऐसे बड़े सवाल है जिसका जवाब विधायक अनंत सिंह को देना पड़ेगा। और पटना पुलिस इसी कह सकते हैं कि पूरे सवाल जवाब को लेकर के माननीय न्यायालय से उन्हें एक या दो दिन का रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और आज माननीय न्यायालय में पटना पुलिस के द्वारा यह आवेदन दिया जाएगा कि रिमांड पर लेने की जो अर्जी है उसको मंजूर किया जाए और तब अनंत सिंह की पूछताछ होगी। तो बिल्कुल परेशानी बढ़ी हुई है अनंत सिंह की, या खास करके इससे मोबाइल मिलने मामले में तो अब जो भी लोग इसमें शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो अब देखना होगा कि माननीय न्यायालय का आदेश कब तक हो पाता है, उसके बाद फिर पटना पुलिस अनंत सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। जी चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज लगेगा। जनता दरबार में कई जिलों के फरियादी शामिल होंगे। फरियादी अपनी समस्याओं से सीएम नीतीश कुमार को रूबरू कराएंगे। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार फरियादियों की समस्याओं को तत्काल निपटारा करते हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र के कारण जनता दरबार का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज सोमवार है और सोमवार को जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगता है। और जिस तरीके से थोड़ा सा लंबा गैप हो गया था बजट सत्र को लेकर के, लेकिन अब जनता दरबार में कई जिलों से फरियादी पहुंचेंगे, अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ऑन स्पॉट उसका निपटारा भी नीतीश कुमार करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अरुण चौरसिया के पास चलेंगे। अरुण, काफी दिनों के बाद अब जनता दरबार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगेगा। बजट सत्र चल रहा था और कई चीजें थी, बहरहाल क्या कुछ जनता दरबार में आज देखने को मिलेगा, कैसे फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले हैं?